चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में आम लोगों के लिए खुला अमृत उद्यान, और साथ ही उद्यान का 15 सितंबर तक उठा सकेंगे लुफ्त। इस वक्त की बड़ी खबर आम जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था उद्यान का उद्घाटन। दिल्ली में आम लोगों के लिए खुला अमृत उद्यान, और साथ ही उद्यान का 15 सितंबर तक उठा सकेंगे लुफ्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था उद्यान का उद्घाटन। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, दिल्ली में आम लोगों के लिए अमृत उद्यान खुला है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दे दीजिए। देखते रहते हैं, 14 अगस्त को हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान, जिसको पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, उसका उद्घाटन कर दिया है। और आज से यानी 16 अगस्त से अगले एक महीने तक यानी 15 सितंबर तक जो है अमृत उद्यान एक महीने के लिए आम नागरिकों के लिए खुल चुका है। आपको जानकारी दे दें, इसमें 2 दिन जो है वो रिजर्व किए गए हैं, जिसमें 29 अगस्त को राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल दिवस पर खिलाड़ियों के लिए जो है अमृत उद्यान पूरी तरह से रिजर्व रहेगा। वहीं 5 सितंबर को हर वर्ष की तरह जो है टीचर्स डे के लिए जो है टीचर्स और बच्चों के लिए जो है रिजर्व किया जाएगा। बाकी इसके अलावा किसी भी दिन अगर आम जनता जाती है तो उनके लिए जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अमृत उद्यान पूरी तरह से खुला हुआ है। और इसकी अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कोई भी फीस नहीं है, कोई भी टिकट नहीं है। जो आम नागरिक है वो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर या फिर अमृत उद्यान के नजदीकी कियोस्क सेंटर पर जाकर जो है अपनी ऑफलाइन स्लिप वो भी ले सकते हैं, और इसकी कोई भी चार्जेस नहीं है। साथ ही साथ अमृत उद्यान के एंट्रेंस गेट पर जो है काफी वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, जो कि दर्शक वहां पर आने वाले हैं उनकी सुविधा के लिए, उनकी हेल्प के लिए, वहां पर सहयोग के लिए बने रहेंगे। और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से फ्री बस शटल सर्विसेज का भी जो है वो उपलब्ध यहाँ पर किया गया प्रबंधन, जो कि फ्री में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो से लेकर अमृत उद्यान तक जो है लोगों को पहुंचा सकेगी। साथ ही साथ बता दें, एंट्री जो है वो राष्ट्रपति के भवन के गेट नंबर 35 से आम नागरिक वहां कर एंट्री ले सकेंगे, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो है अमृत उद्यान खुला रहेगा। इसमें इस साल खास तौर पर बात की जाए तो 75 प्रकार की नई स्पीसीज है फूलों की वो देखने को मिलेगी। स्कूल के बच्चों के लिए काफी जो है इसमें खास इंतजाम किए गए हैं। साउंड म्यूजिक अगर बात की जाए जी, विशाल अगर बात की जाए उद्यान का 15 सितंबर तक लोग लुफ्त उठा सकेंगे, तो ये जो क्या कुछ सुविधाएं हैं जिनको लेकर लोग 15 सितंबर तक लुफ्त उठा सकेंगे। जी, अगर सुविधाओं की बात करें तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, 75 प्रकार की जो है फूलों की प्रजातियां देखने को मिलेगी यहाँ पर। लोग जो कि दिलचस्पी रखते हैं गार्डन में फूल में वो कभी यहाँ पर आ पाएंगे। और साथ ही साथ एक और विशेष प्रबंधन यहाँ पर जो है किया गया राष्ट्रपति भवन के द्वारा, जो दर्शक यहाँ पर आएंगे उनके लिए जो है 20 पत्र दिए जाएंगे तुलसी के, जिस 20 पत्रों को वो अपने घरों में ले जाकर जो है जमीन में गाड़कर उसमें पौधे से हरियाली ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं संदेश एनवायरमेंट के लिए भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और जो अमृत उद्यान की इसकी ओपनिंग हुई है आज से हो चुकी है, और लगभग 6 बजे तक शाम के खुला रहेगा, जिसमें लास्ट एंट्री जो है आपको बता दें 5:15 बजे तक वहां पर एंट्री की जा सकती है, और उसके बाद अगले दिन एंट्री मिलेगी। और ये जो अमृत उद्यान है अगले महीने तक 15 सितंबर तक खुला रहेगा, और एक महीने के लिए, और साल में आपको बता दें 2 बार ये खुलता है। पिछले बार जो ये फरवरी से लेकर मार्च तक खुला था, और अब अगस्त सितंबर अमृत उद्यान खोला गया। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।